सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। एंड ये है पार्ट 10। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 90 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे, तो आज हमारा 100वां क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएगा। तो इन 100 में से कोई एक क्वेश्चन तो आने ही वाला है। अब ऐसा बोलेंगे, ऐसा मत बोलिएगा कि आप लोग कि यार ये 100 में से एक क्वेश्चन आएगा, बिकॉज हम लोग 100 क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं 10 दिन के अंदर। और क्या चाहिए? सो दिस सीरीज इज स्टार्टेड बाई मी विवेक ठाकुर। आई एम फ्रॉम बिलासपुर, करेंटली नॉट करेंटली, आई एम अ पास आउट फ्रॉम एन आई टी रायपुर, करेंटली आई एम इन चेन्नई। तो दिस सीरीज इज टू कवर 300 क्वेश्चन बिफोर जनवरी, सो दैट आपका जो RI, पटवारी, असिस्टेंट डायरेक्टर, ये सब एग्जाम क्लियर हो। देन बिफोर प्री हम अपना 1000 क्वेश्चन कवर कर लेंगे, एंड विल बी हेल्पफुल टू इजली मेमोराइज ऑल द आंसर, बिकॉज हम बार बार क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। मतलब क्वेश्चंस वही हैं, बस आंसर्स हम थोड़े बहुत ऊपर नीचे कर रहे हैं या थोड़ा सा कंटेक्स्ट या तर्क बदल रहे हैं उसका। तो आपको प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना है, यही आपके लिए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। सो गाइस, पहला क्वेश्चन वही है कि कल हम लोगों ने लिखा था कि इंडिया में किस वर्ष इसको अधिसूचित किया गया था। अब ये है जो है हमारा कि यूनेस्को ने कब किया था इसको, तो कब किया था बताइए आप। ये चार पांच ऑप्शंस है हमारे पास, तो जो आंसर है इसका वो है 2012। भारत में इसे 2005 में लाया गया था, यूनेस्को ने इसे 2012 में किया, ये और ये 14वां है। थैंक यू, किसी ने बताया मुझे 14th है, तो ये 14th हमारा इंडिया का बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ये बिलासपुर तरफ जा रहा है, फैला हुआ है, एंड दिस वॉज द आंसर फॉर दिस। नाउ छत्तीसगढ़ की, इसको कट छोड़ दीजिएगा, छत्तीसगढ़ की जनजाति विशेषता सुमेलित कीजिए। कोरबा, लौह धातु, कमार, परघौनी नृत्य, अघरिया सिंगली बोली, बैगा बांस शिल्प। तो देखिए, कोरबा जो है, ठीक है, वो क्या करती हैं आपको पता होना चाहिए, एंड कमार क्या करते हैं आपको पता होना चाहिए। तो ये सब कैसे याद करेंगे हम, इसके जरिए। ये है आपका कोरबा जो है, ये करती हैं आपका सिंगली बोली, कमार जो है आपका करेगा बांस शिल्प, ठीक है, अगरिया करेगा लौह धातु, एंड बैगा जो है वो परघोनी नृत्य करते हैं। तो अब आते हैं हम इस पे, जो कोरबा जाती है वो पहाड़ी पे रहती है, दिहाड़ी कोरबा है, ठीक है, इन सूरजपुर, दसपुर, सरगुजा में रहते हैं, एंड इनका मेन नाच जो है वो दम नाच है, जो डरावना नृत्य है, एंड ये हंडिया हंडिया पीते हैं जो कि चावल से बनता है, ढोकू विवाह इसमें बहुत सारा चलता है, एंड जो पंचायत सिस्टम को मयारी बोलते हैं। अब कमार पे आते हैं, तो गरियाबंद, वृंदावनगढ़, देवभोग में रहते हैं, ये बैम्बू क्राफ्ट करते हैं जैसे हमको पता है, ठीक है, और दहिया इनका कृषि सिस्टम है। मैकाल पर्वत शाखा में जो रहते हैं वो बैगा रहते हैं, बुद्धड़े भगवान हैं इनके, साझा वृक्ष की पूजा करते हैं, पैठुल विवाह करते हैं, काप्ती जो है महिलाओं का पहनावा है, कृषि जो है वो बेवार कृषि करते हैं, नृत्य जो है वो कलमा बिलमा और परघौनी है, ताड़ी साल्फी ड्रिंक है इनका। तो ऐसे आप आते हैं ये है आपका एक्सप्लेनेशन उसका। छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ संकेंद्रण सही नहीं है, सांवरा, महासमुंद, खैरवार, कोरिया, कमार, गरियाबंद, बिरहोर, जशपुर, हलबा, राजनांदगांव। तो क्या लग रहा है आपको, बिरहोर जो है जशपुर में नहीं रहता, ठीक है, बिरहोर कहाँ रहता है ये कमेंट में बताइए मुझे आप, वरना मैं कल बता दूंगा। तो चिंता मत करिए, ऐसे आप याद करिएगा, मतलब आपको थोड़ा मेरे को धीरे से बोलना पड़ेगा, तो आप पॉज कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बोलूँगा कि तब आप आंसर सोच के अपना नेक्स्ट प्ले करिएगा। सो नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के तीज त्यौहार असत्य जोड़ा है, मातर राज्य के राउत समुदाय का दिवाली पर किया जाने वाला नृत्य, अक्ति जो है पुतला पुतली, हाँ पुतला पुतली का विवाह, मेघनाथ पर्व बैगा आदिवासियों का प्रमुख पर्व, आमाखाई धुरवा एवं परजा जनजाति का पर्व, गौरी गौरा पर्व दीपावली के पास गोंड जनजाति का पर्व। तो देखिए, अभी हमने पढ़ा बैगा का क्या है, कर्मा बिल्मा जो है वो आपका डांस है, ठीक है ना, अब वो तो पर्व तो कुछ दिया नहीं, तो हमको मेघनाथ जो है वो गलत आंसर है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट आते हैं, छत्तीसगढ़ में पहने जाने वाले आभूषण और असत्य जोड़ा बताइए। पटिया सिर का आभूषण, सूता बाहों का आभूषण, बहुता हाथों का आभूषण, खिनवा नाक का आभूषण, तोड़ा पैरों का आभूषण। तो ये खिनवा सही है, बहुता सही है, सूता जो भाई गले में पहना जाता है क्या, तो बाहों में थोड़ी पहना जाता है ही नहीं, तो आंसर ही सूता, इट्स अ रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट है असत्य कसम बताइए,
छत्तीसगढ़ की बंजारा जनजाति कंघी शिल्प कंधी शिल्प में के लिए जाना जानी जाती है। माहुल पत्तों से दोना पत्तल बनाया जाता है। सरगुजा में झारा नामक जनजाति जो है वो धातु शिल्प के लिए जानी जाती है। गढ़वा शिल्प में पीतल कांस्य और रंगा का प्रयोग किया जाता है। ढोकरा शिल्प में मोम का प्रयोग करके पीतल धातु में मूर्ति शिल्प बनाया जाता है। तो धातु शिल्प भी गरबा क्राफ्ट ही करती है, तो ये वाला आंसर जो है वो गलत है, झारा नामक जनजाति नहीं करती। ठीक है, अब देखिए 2011-15 के क्राफ्ट अवार्ड जो है छत्तीसगढ़ कलाकार शिल्प सुमिलित कीजिए, तो आपको ये थोड़ा सा बस देख लो, इसका मैं छोड़ दिया यहाँ पे बिकॉज 2011-12 की बात हो रही है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा अपना चेक कर लेना आपकी जो विनय कुमार झोरका हैं वो वुड क्राफ्ट करते हैं, वी से विनय वी से वुड कर दीजिए। मुन्ना लाल शर्मा विश्वकर्मा जी जो हैं वो कर रहे थे हमारे, किसमें प्राप्त था इनको, इनको प्राप्त था बेल मेटल पे, बेल मेटल क्लस्टर स्कीम जो आई थी शायद उसमें था। परमेश्वर चक्रधारी को मिला था नाहदोरा में, और आत्माराम मणिपुरी को मिला था टेराकोटा में। ठीक है, तो यार लिख लीजिएगा, थोड़ा बहुत कभी पूछ दे तो प्रॉब्लम आ सकती है। देन कौन से अस्पताल में पहला PET स्कैन फैसिलिटी लाई गई है, मतलब पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, ये कैंसर के लिए है, ये बजट में था। इसका मैंने एक क्वेश्चन, जब आपको पता है एक क्वेश्चन बजट का रहता है, एक क्वेश्चन अवार्ड का रहता है, और एक क्वेश्चन रहता है इकोनॉमिक सर्वे का, तो उस पर है। तो जो आंसर है इसका वो है DKS, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अस्पताल है उसका है ये। ठीक है, उसमें लाई गई है PET स्कैन फैसिलिटी, जो पहली स्कैन फैसिलिटीज है वो लाई गई है इस अस्पताल में रायपुर के। सो अब पता है राज्य अलंकरण पुरस्कार हम कर रहे हैं, 8वां 9वां क्वेश्चन हमारा, तो उसमें जो महाराज प्रवीर चंद्र भंज देव सम्मान है वो किसे मिला है, तो इसको मैं अभी आप ऑप्शन से आंसर याद कर सकते हैं। विनोद कुमार शुक्ल जी किसको मिला था, पंडित रविशंकर शुक्ला जी का अवार्ड मिला था, गुंडाधुरा अवार्ड इनको मिला था। अब हसन जफर बताया था ना मैंने, अली जफर, तो हसन अली जो अवार्ड है वो हसन जफर रायपुरी को मिला था, तो बचा कौन, अभिलाष राज। तो बस यही आंसर है हमारा। अब देखिए हम लोगों ने ये कर लिया, सैन्य कुमार मंडावी, आप यहाँ देखिए, यहाँ मत देखिए, गुंडाधुर सम्मान रामफोर तोंडर, ठीक है इसको देखिए ही मत अभी, आप यहाँ से मिनी मातब नहीं किया है छोड़ दीजिएगा, और गुरु हाशियत सम्मान समय भाई शास्त्री, प्यारेलाल सिंह से छोड़िए, हाजी तो हमारा क्या है, हमारे हाजी अली अली है, तो हसन जफर रायपुरी, अब ये हो गया, अभिलाष राज जी हो गए, विनोद कुमार शुक्ल हो गए, ठीक है दाऊ मंदारा जी था, शिव कुमार तिवारी हो गए, तो ऐसे हम आगे और पढ़ लेंगे। ओके अभी हमारे 7 कंप्लीट हो गए, तो हर दिन करेंगे ना तो पूरा याद हो जाएगा, 20 के 20 याद हो जाएंगे अपने को, चिंता मत करिए आप। अब देखिए ग्रेड ए और समान धान की खरीदी मूल्य कितना है, आपको बताना है 16-17 के हिसाब से, खरीफ क्रॉप का जो है 1410 और 1450, 1450 और 1410, 1470 और 1510 की, 1510 और 1470। तो पहले तो आप ये देखिए ग्रेड ए जो है महंगा होगा, तो ये दोनों में से एक हो सकता है। ठीक है, फिर देखिए कि अब बता रहा हूँ मैं आपको, जो ये जो है ये हमारा इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, 15-16 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसका डेटा है, उसके हिसाब से पूछेगा तो आप बोलेंगे कि ग्रेड ए जो है वो 1450 है, और समान धान मतलब कॉमन धान जो पैडी है वो 1410 रुपये है। अब इसमें पूछा है कि 16-17, तो आपको आपको ये डेटा याद है तो +60 कर दो भाई दोनों में, ये हो गया 1510, ये हो गया 1470 रुपये। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ओके दिस इज द आंसर। सो गाइज दिस वॉज द 10th क्वेश्चन एंड हमारा 100th क्वेश्चन कम्प्लीट, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, दिस इज द 100th क्वेश्चन ऑफ आवर सेक्टर, एंड टुमारो आई अपलोड द PDF, तो यू कैन टेक इट एंड यू कैन टेक अ टेस्ट ऑफ 50 क्वेश्चन फॉर योर सेल्फ। सो प्लीज़ इट्स अ स्पेशल रिक्वेस्ट फॉर यू, बिकॉज हमारे पास कोई और साधन नहीं है लोगों के तक पहुँचने का, तो आधा काम अब आपको करना है कि आप अपने फ्रेंड्स को दिखाइए ताकि ये इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर हो, एंड प्लीज़ लाइक कीजिए एटलीस्ट, तो भी पॉपुलर होगा। एंड फ्रॉम टुमारो मैं करंट अफेयर्स के जैसे यहाँ पे कमेंट्स और फीडबैक पोस्ट करने वाला हूँ, तो यू कैन प्लीज़ लीव योर फीडबैक, अपना फीडबैक दीजिए मुझे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। एंड प्लीज़ लाइक एंड प्रोवाइड योर फीडबैक अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग, एंड प्लीज़ शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, अरे अगेन हो गया ये, तो फॉर एनी डाउट्स प्लीज़ मैसेज मी हियर। एम आई रेवेन्यू इंस्पेक्टर का फॉर्म कैसे भरेंगे वो डाला है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं उसको। ओके खुद से भरना, पूरा चीज़ आपको खुद से करना है, कोई दुकान जाने की ज़रूरत नहीं। तो गाइस दिस वॉज द वीडियो एंड डू हैव अ लुक कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर का फॉर्म कैसे है, तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो आपको प्लीज़ बताइए मुझे। ओके